हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप आज जानते हैं कि हमारे आईटी सेक्टर्स ने कल की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट जो हमारा स्टॉक था दोस्तों, इन्फोसिस, जिसका रिजल्ट कल अनाउंस हुआ था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, जिसने काफ़ी अच्छे गेन्स करे थे अपने प्रॉफिट, ठीक है, उसने आज हमें कुछ अच्छा खासा इतना मूवमेंट नहीं दिया। अगर आपने उसको आज ट्रेड करा भी होता, ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आपका दिन खत्म हो जाता। दोस्तों, अब हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए? आप देखेंगे तो निफ्टी जो है उसने हमारे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद दोस्तों आप इसमें एक चीज़ देखेंगे तो निफ्टी में ना हमें एक काइंड ऑफ ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जिसको बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें दोस्तों अगर हमें कल इस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो कि 15,905 की है, उसका ब्रेक मिलता है, तभी हम इसके अंदर शॉर्ट होंगे, जब भी हमारा एक कंफर्मेशन ट्रेड होगा ये कि निफ्टी अब वापस एक करेक्शन वे में आ चुका है, ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, मैं आपके लिए एक सिंपल सा एक जोन बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका 15,900 से लेके 15,950, ये 50 पॉइंट्स का जो जोन है ना दोस्तों, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। आपको कल वेट करना है कि आपको कहीं से किसी जोन का ब्रेक मिले, ठीक है, आप उसके बाद निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे और अपना 1:1.5 या 1:2 का टारगेट तो इजिली अचीव करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल आपका 16,000 के अराउंड का होने वाला है दोस्तों, अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में तो आप देख ही रहे हैं, 15,820 का लेवल आपका है ही, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस हाइज का ब्रेकआउट दे ही दिया है, कहीं पे जिस जोन में वो फंस रहे थे या फिर जिस जोन में वो पहले से स्टक हो रहे थे, उनका ब्रेकआउट देने के बाद अब बैंक निफ्टी भी दोस्तों एक अच्छे खासे मोमेंटम में हमें दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे तो ये एक हमारी थोड़ी सी टेम्पररी ट्रेंड लाइन हो रही, वो हो रही है फॉर्म, ठीक है, जिसमें बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेके एक कंटिन्यू अप ट्रेंड दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको दिखाने के लिए थी, अब मैं आपको एक जोन बना के दे दूंगा दोस्तों इसके अंदर भी। ये दोस्तों ये आपका जोन है अराउंड 35,820 से लेके 35,985 का, दोस्तों अराउंड 100-150 पॉइंट का ये जोन है आपका। हाँ दोस्तों, 100-150 पॉइंट का ये जोन है, ठीक है। आपको इसके ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना है दोस्तों, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ आपको ब्रेक देगा तो आप 36,243 तक तो इजीली अचीव कर जाएंगे, पर अगर नीचे की तरफ भी ब्रेक देगा, थोड़ा सा करेक्शन लेने के लिए आएगा, तो हमारी जो मैंने अभी आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी वो भी टूटेगी, और दूसरा ही हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी टूटेगी, जो हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन का काम करेगी, और हम इसको वापस 35,467 तक आता हुआ इजिली देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे, तो स्टॉक्स में मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ आईटीसी। आईटीसी मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आईटीसी ने हमारे एक प्रीवियस जोन का ब्रेक दिया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस जोन के ब्रेक के बाद ना आप देखेंगे तो इसमें ना एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक चीज आपको ये दिखाता हूँ मैं, पैटर्न बना के पहले ये देखिए दोस्तों, ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप अगर एक चीज और दे नोटिस करेंगे, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए दोस्तों ये कैंडल क्या हमें एक इंडिकेशन दे रही है, ये दोनों कैंडल। दोस्तों मैं इन कैंडलों के आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस कैंडल का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे देता हूँ, ये हमारी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कल ये स्टॉक करेक्शन तो इसने ले ली, अब एक वापस एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो दोस्तों कल आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, 2005 के लेवल, 2205 के लेवल का, और टारगेट आप अपना इजिली 1:2 का तो इसमें अचीव कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है इन्फो एज नौकरी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन्फो एज में भी एक हमें एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद इसके बारे में आपको बताऊंगा।
दोस्तों इन्फो एज के अंदर हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं आप। अब इन्फो एज मोस्ट प्रोबेबली हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है, बट अगर ये हमारे लिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी दिया ना इसने दोस्तों, तो वो हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो वो एक ट्रेंड चेंज हो, टेम्पररी ट्रेंड चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसका वेट करेंगे कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है ना, तो इसको वेट करना कि रीटेस्ट का मौका मिले, रीटेस्ट के बाद आप इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम चेज कर पाएंगे, ठीक है। पर अगर आप इसमें देखेंगे कि हमारे जो वॉल्यूम्स है वो एक लेवल पे चल रहे हैं, अगर इन वॉल्यूम्स का भी ब्रेकआउट मिलता है ना, और हाई वॉल्यूम्स होते हैं स्टॉक के अंदर, तो ये हो सकता है कि आपको रिट्रेसमेंट का मौका ही ना दे, मार्केट खुलते नहीं आसमान को छू ले, ठीक है, और आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो दोस्तों ऐसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिली तो कोई नहीं, मैं आपको एक स्टॉक नहीं देता, चार स्टॉक देता हूँ, तो आप उनमें से किसी और में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है दोस्तों। पर एक रीटेस्ट के बाद अगर हमें वो मिली ना कंफर्मेशन दोस्तों, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा बाइंग टारगेट जोन हो जाता है, जिसमें हम स्टॉप लॉस भी अपना उस एग्जैक्ट उसके नीचे भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ा हम स्विंग जाना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हैं। तो इस जोन के लिए आप इसको इजिली बाय करके चल सकते हैं दोस्तों। पर अगर इसने दोस्तों हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया ना, तो वापस से आप इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर एक डाउनफॉल की एक मूवमेंट देखेंगे दोस्तों आप इसमें। अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है पीवीआर। पीवीआर में मेरे को ऐसा क्या दिख रहा है जो मैं आपके लिए लेके आया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसमें देखेंगे कि हमारी ये ट्रेंड लाइन है जो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है, जब भी ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आता है ना, तो एक बहुत अच्छी हमें ऊपर की तरफ रिवर्सल मूव देता है, ठीक है। अब ये वापस इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने आया है दोस्तों, अगर ये हमें अबव 1375 के लेवल को ब्रेक कर जाता है ना, तो आपको इसमें एक बहुत अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, और अपना स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा एग्जैक्ट इन लेवल्स के नीचे लगा के टारगेट अपना 1:2 का अचीव इजिली कर सकते हैं दोस्तों, समझे आप। पर अगर इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आप वेट करेंगे कि या ये रिट्रेस करे, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न आप इसमें चेज कर सकते हैं, ठीक है। पर दोस्तों आप इसमें नेगेटिव जब होंगे, जब ये रिट्रेस करके फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, उससे पहले इसमें नेगेटिव मत होना, क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है एक स्टॉक, तो इसमें पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे, जो कि है ट्रेंट। दोस्तों मैंने ट्रेंट आपको 12 तारीख को भी दिया था, ठीक है, इसके अंदर हमें मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी। इस ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे तो ये देखिए आप, जैसे ही ये बार बार यहां से रिवर्सल ले रहा है ना, जैसे इस ट्रेंड लाइन को छू रहा है वापस रिवर्सल ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन को छूया वापस रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। अब ये वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों कल हमें अराउंड हमारा 905 का लेवल ब्रेक होता है ना हमारा, तो इसमें हम इजी एक बहुत अच्छा अपवर्ड की साइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।